तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में, और यह वीडियो आपके क्लास 12 के दिगंध के काव्य खंड का आखिरी लेसन है। यानी आखिरी लेसन बहुत शानदार है। जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो लोग अपने घर को लौटते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ सोच समझ लेते हैं, सब कुछ क्या करते हैं, सोच समझ लेते हैं, दिमाग लगा लेते हैं और कहते हैं चलते हैं अपने घर, अपने दुनिया चलते हैं। तो ये लास्ट लेसन जो आपको घर की याद दिलाएगी, गाँव का घर, उसके बारे में पढ़ना है। बड़ी ही शानदार है, ठीक है। और आपको देखना, एक गारंटी है, कमेंट में ज़रूर कीजिएगा इस बात को कि आपको पुरानी यादें ज़रूर आ जाएंगी, बचपन में आप क्या क्या किए हैं, और वो चीज़ें आजकल के लड़के नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें याद आ गई, वही कहाँ गए वो दिन, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें आपको याद आने वाली है। इनके लेखक हैं, जो आपके लास्ट लेसन है, उनके लेखक है ज्ञानेंद्रपति। कौन है? ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति समझिएगा, इन नाम में ही सब। अच्छा बताइए, इनमें भी ज्ञान लगा है कि नहीं? और ज्ञान किसी पढ़े लिखे लोग में लगता है कि भाई इनके पास बहुत ज्ञान है कि नहीं, किसी ज्ञानी व्यक्ति, और ज्ञानी व्यक्ति भी नौकरी में रहेंगे ना। तो ये भी बाबू बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं, यानी बीपीएससी निकाल के बैठे हैं। यहाँ देखिए तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा चयनित अधीक्षक हैं, शिक्षक नहीं अधीक्षक है, अधिकारी के पद पर हैं बीपीएससी, क्योंकि इनके पास भी क्या है, ज्ञानेंद्र है, यानी कि ज्ञान वाले इंद्रिया हैं, ठीक है। तो ज्ञानेंद्र बाबू किस, मतलब इनके वृत्तियाँ के बारे में बताया, अगर योग्यता के बारे में, तो ये भी बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं। अब इनके बारे में ट्रिक से सब समझते चलेगा, सुनिए। ज्ञानेंद्र, अच्छा बताइए, ज्ञान, और ज्ञान सबसे ज़्यादा, आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या कहीं गाँव में घूम रहे हैं, तो गाँव के लोग इधर बोले इधर आओ, इतना दिन भर जो तू घूम रहे हो उससे अच्छा रहता बैठ के दो चार घंटा पढ़ाई करता, ठीक है। मतलब कि होता क्या है, चाहे घर के लोग भी ज्ञान देने लगते हैं, गांव के लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं, आप 10 घंटा पढ़ लीजिए कोई नहीं देखेगा, 5 मिनट अगर फ़ोन चला लेंगे ना वो देख लिया, क्या कहें, दिन भर फोन देखता है, ऐसा बात आ जाता है, वो 5 मिनट दिखाई देता है, पूरा 10 घंटा दिखाई नहीं देता है, ऐसे होते रहता है। तो गांव के लोग ज्ञान देते रहते हैं, तो वही बात है, ज्ञान देते रहते हैं कहाँ के, गांव के लोग। तो गांव का घर ऐसे हो जाएगा कि नहीं, तो आप याद रखिएगा गाँव का घर। और ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र का जन्म हुआ था 1950 में हुआ था। अब कहिएगा सर इनकी मृत्यु क्यों नहीं लिखा गया, अरे वो मरेंगे तब ना लिखाएगा, अभी जीवित रहेंगे तो कहाँ से लिखाएगा, बाद में मर गए होंगे, लेकिन अभी तक इनके बारे में जब ये किताब छपा था उस वक्त तक ये जीवित थे, इसलिए उनकी मृत्यु की चर्चा नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी थे ये, बहुत अच्छे क्या है, बीपीएससी क्रैक कर चुके हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के एक अधिकारी थे, ठीक है। और ये कवि थे, अपना नौकरी छोड़ के इन्होंने पत्रकारिता करना शुरू कर दिया था। ये देखिए, लोग बीपीएससी निकालने के लिए तड़पते हैं और ये कवि बनने के लिए अपना बीपीएससी का जो अधीक्षक थे उन्होंने छोड़ दिया है। ज्ञानेंद्र का जन्म 1 जनवरी 1950, अरे यार 26 जनवरी को हुआ होता तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट जनवरी जो होता है ना हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी, तो 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? झारखंड में हुआ था, और जगह का नाम क्या था, तो यहाँ देखिए पत्थरगामा और गोड्डा जगह था जो झारखंड में है, तो याद देखिए झारखंड में। लेकिन एक खुशी की बात बताएं, आपको पता है कि एक समय में पूरे भारत पर राज करने वाला एक बिहारी ही था, और बिहार से ही लोग किए थे, आपको पता होना चाहिए, सम्राट अशोक, ठीक है। तो उस वक्त ये भी आपको कुछ उससे रिलेटेड है। यहाँ जो ज्ञानेंद्र है ना, ये पता है बिहार में ही पढ़े हैं, और बिहार का कौन सा, आप सुने होंगे बिहार में जेपी यूनिवर्सिटी, नहीं जेपी यूनिवर्सिटी का बात तो हटा, उसका तो कंडीशन बहुत ख़राब है। वैसे एक और बात है, बिहार यूनिवर्सिटी यहाँ पर पढ़ाई जो किए हैं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में किए हैं। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, जो हाजीपुर है ना, हाजीपुर में जितना कॉलेज है यूनिवर्सिटी है वो सब मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से अटैच है, जितना भी कॉलेज है। अब समझिएगा, अपने यहाँ आजकल तो मुजफ्फरपुर जितना भी यूनिवर्सिटी है स्थिति खराब हो गया है, नहीं हो गया है, आप 3 साल का बीएससी का अगर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 साल के कोर्स में 7 साल लगा दे रहा है, 8 साल लगा दे रहा है। पता है जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा ना, आपका लड़का फर्स्ट ईयर में आ जाएगा, इतना बिहार की स्थिति खराब है, ठीक है, इतना स्थिति घटिया हो चुका है। यहाँ देखिए, अपने प्राथमिक शिक्षा तो यहीं पे किए हैं जहां के ये थे, गांव में ही किए हैं, लेकिन बीए और एमए बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में किए हैं, इसे बिहार यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, अपना यहीं हाजीपुर से ये किए हैं। यहां समझिएगा वृत्तियां, आखिर ये अचीवमेंट क्या क्या कर चुके, तो क्या क्या, लोक सेवा, बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी द्वारा चयनित अधीक्षक थे, और इन्होंने कैदियों के बारे में सोचा और उनके लिए जो भी नियम लगाया, बड़ी ही कल्याणकारी नियम था, बहुत अच्छा नियम था कैदियों के लिए। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि कैदियों के लिए कल्याणकारी नियम इनमें से किस कवि ने लगाया था, तो याद रखिएगा बहुत ही ज्ञान था, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान अपना सोच लिए, जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, ठीक है। यहाँ देखिए, नौकरी छोड़ करके और यहाँ पे फकल
कविता लेखन शुरू कर दिया है। कहाँ के निवासी थे? तो निवासी तो वैसे ये बनारस के थे, बनारसी यानी उत्तर प्रदेश के थे, ठीक है। सम्मान, इनको प्राइज़ मिला है, इनको प्राइज़ मिला है पहल सम्मान 2006 में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पूछिएगा सर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो गांव का घर, ये कविता लिया गया है ना, ये इसी से लिया गया है, इससे संशयात्मा से गांव का घर कविता लिया गया है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको भी मिलवे करेगा, जाहिर सी बात है सभी सभी कवियों को मिला है। इनकी कृतियाँ और भी कुछ लिखे थे, देखिए तो आँख हाथ बहते हुए 1970 में शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है। 1980 में एक लिखे हैं शब्द लिखते हुए भी यह कागज़ बना है। यहाँ पे गंगा तट 2000 में लिखे हैं, और ये वाला यही समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए संशय आत्मा जो है ना, ये 2004 में लिखे थे, ठीक है, लेकिन उसका प्राइज 2006 में मिला था। लगा सबको बहुत अच्छा लगा था गांव का घर जब ये लिखे ना, तो लगा कि वाह सबको अपना गांव याद आ गया। जो भी लोग टाउन शहर में बसे हैं और पूरे गांव को भूल चुके हैं, जब ये पढ़े इनकी कविता तो सबको अपनी गांव की याद आ गई। मतलब क्या यार, वो गिल्ली डंडा क्या, मतलब वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, सब कुछ याद आ गया। ये इसी के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा एक चक्रा नगरी एक काव्य नाटक है। आपसे पूछा जाएगा एक चक्रा नगरी काव्य नाटक किसका है, तो क्या ज्ञानेंद्र पति का है, ठीक है। किसके पति का है? नहीं, ज्ञानेंद्र पति का है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ये भी पूछा जाएगा कथेतर गद है, क्या ये गद है, तो ये आपको समझ में आया होगा लेखक के बारे में। ये क्या है? बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित एक अधीक्षक थे, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि गांव का घर किस कवि द्वारा लिखा गया, तो गांव और ज्ञानेंद्र, ठीक है, पूरा ज्ञान देते हैं गांव में, तो ज्ञानेंद्र द्वारा लिखा गया। और इनके पिता का नाम तो बड़ी ही आसान है, देवेंद्र, ज्ञानेंद्र, देवेंद्र, ज्ञानेंद्र, ज्ञानेंद्र और देवेंद्र। और माता का नाम भी बड़ी आसान है, और आसान को हिंदी में सरल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी सरल है, तो सरला देवी माता का नाम, पिता का नाम देवेंद्र, और इनका नाम ज्ञानेंद्र। तो हो गया ना याद, ही आपको याद हो ही गया होगा। और ये जो कविता में जिक्र किया गया है, बड़ी शानदार तरीका से पुरानी पुरानी यादों के बारे में जिक्र किया गया है। आपकी भी कुछ पुरानी यादें होंगी ना, याद कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। गांव का घर, गांव के घर अंतापुर का वह चौकट, गांव के घर में चौकट देखे हैं, जो दरवाज़ा जिस पर लगता है ना, जिसमें दरवाज़ा लगता है वो नीचे चौकट होता है, उसी के बारे में जिक्र। आजकल चौकट तो रहे ना, डायरेक्ट प्लेन है, क्या है, डायरेक्ट प्लेन है, डायरेक्ट अंदर सीधे घुस जा भाई कोई भी, लेकिन उसमें क्या होता था कि चौकट को लांग करके तब जाना पड़ता था, वो बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले के ज़माने में बोल दिया कि मेरे चौखट के बाहर अगर कदम रख ली, ये जो डायलॉग है ना ये ख़त्म हो गया, क्योंकि पता है आजकल औरतें करे तुम्हारे यहाँ चौखट कहाँ है, वो तो सीधा प्लेन है ना, तो वो वाला डायलॉग अब खत्म होते जा रहा है, यहाँ समझिएगा। टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे, और वह सीमा मतलब क्या होगा, यहाँ अगला लाइन पहले समझ लेते हैं हम लोग। टिकली साटने के लिए देखिएगा, घर में छोटी छोटी जो बजियाँ होती हैं वो टिकली पहले साटती थी, आज भी साटती होंगी, लेकिन आजकल रेडीमेड आ रहा है, डायरेक्ट निकालो और चिपका लो यहाँ पे टिकली। लेकिन पहले क्या होता था कि कहीं से सहजन के पेड़ से उसका पत्ता तोड़ करके, और उसके पत्ते का जो दूध टाइप का होता था वो चिपकता था, ठीक है, या फिर उसका बीज भी चिपकता था, तो उसी से टिकली साटा जाता था, ये है ना पुरानी यादें। या फिर पहले ज़माने में जब कोई बड़े बुजुर्ग घर में जाते थे, खांस के जाते थे, इससे क्या होता था कि जो घर में औरतें होंगी वो अलर्ट हो जाएंगी, हमसे जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमारे जेठ जी हैं, जेठ जी समझते हो ना, भसुर जी, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है, वो पता चल जाएगा आ रहे होंगे तो साइड हो जाएंगी, ऐसा ये रेस्पेक्ट है, ये और कुछ नहीं। इससे किसी प्रकार का पूरे रूढ़िवादी मत समझिएगा इसको कि नहीं ये गलत चीज़ें हैं, ये एक प्रकार का इज्जत है, ठीक है। यहाँ पे जो जाएंगे बड़े आदमी, घर के कोई भी बड़े बुजुर्ग जाएंगे, तो घर में अंदर होने से पहले क्या, दिया तो दरवाज़ा खटखटाएंगे या खांसते हो जाएंगे, ताकि घर में अगर कोई औरत स्नान भी कर रही होगी तो पता चल जाएगा, तो क्या करेंगी, या तो मतलब वो बता दें कि इधर कोई नहीं आएगा, रोक देंगे, इसमें जिक्र किया गया है उसका, ठीक है, इस तरह से। और आजकल कोई टेंशन नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अपने जेठ यानी जिसको भसुर जी बोला जाता है उससे मतलब उनसे स्पर्श नहीं, उस शरीर टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नियम था। और आजकल कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंकली लोग बात भी कर रहे हैं, पहले अपने बड़े से तो बात करने में भी बहुत दिक्कत था, ठीक है, लेकिन आजकल कोई कॉन्फिडेंस है, अरे कोई बात नहीं, पहले बड़े आते थे ना तो यहाँ से जो क्या होता है साड़ी होता है सर पर से ऐसे लोग ढक लेते थे, और आजकल कोई टेंशन नहीं है, आजकल तो खैर साड़ी बहुत कम है पहना जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए वह सीमा, यहाँ देखिए वह सीमा जिनके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़ाऊ खटखटानी पड़ती थी, यहाँ समझिएगा, बुजुर्ग लोग जितने भी थे खड़ाऊ खटखटाते थे कि ताकि घर की औरतें समझ जाएं कि कोई आ रहा है, खांस करके जाते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा खबरदार, खबरदार मैं आ रहा हूँ, अगर आप सही मतलब कि आप क्या हो जाएं, साइड हो जाएंगी अगर हम चले जाएंगे, ठीक है। और प्रायः तो
इसके उधर, और प्रायः तो इसके उधर ही रुकना पड़ता था। अगर यहाँ पे, अगर मान लीजिए घर में कोई औरत कोई काम कर रही है, नहीं हट सकती हैं, तो आपको ही बाहर रुकना पड़ता था। जो जेठ जी होते थे या फिर जो बड़े बुजुर्ग होते, उनको बाहर रुकना पड़ता था, वो बता दिया जाता था कि आप घर में नहीं आ सकते हैं। किसी को बगैर नाम लिए, पुराने ज़माने में कितना अच्छा था ना, ठीक है। और आज के ज़माने में देखिएगा, आजकल नया हिंदी मूवी और पुराना देखिएगा, पहले नाम लेके बुलाया नहीं जाता था, किसी दूसरे का नाम लेके बुलाया जाता था। जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि अगर अगर जो भी अधिकतर बड़े बेटे के नाम से ही बुलाया जाता, अगर मान लीजिए हमारे पापा जी को मम्मी को बुलाना हो, ठीक है, तो मम्मी के जो बड़े बेटे होंगे, या हम ही अमित नाम लीजिए मेरा नाम है, तो क्या करें, अमित के मम्मी कहाँ है, ऐसे बुलाया जाता, डायरेक्ट नाम लेके नहीं बुलाया जाता, पहले ऐसा होता। आजकल तो डायरेक्ट नाम लेके बुला दिया जाता है, या फिर नियम पुराना देखेगा, लोग पति का भी नाम नहीं लेते हैं, और आजकल तो डायरेक्ट नाम लेके बुला दिया जा रहा है, विनोद तुम सुनो इधर आओ, ठीक है, अपने पति को नाम लेके बुलाए। और पहले होता था अजी सुनते हो, अजी सुनते हैं, ठीक है, और भोजपुरी में सुनता नहीं, ये वाला होता था कि नहीं, तो ये सब चीज़ें अब खत्म हो चुका है, और पहले नाम लेके नहीं बुलाया जाता था। यहाँ देखिएगा, एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था। एक अदृश्य, अदृश्य मतलब क्या, ये नहीं कि पर्दा के आर पार दिखे तो पर्दा लगाने फ़ायदा क्या हुआ, अदृश्य पर्दा के पार से लोग पुकारते थे कि अपनी पत्नी को या जो भी घर की औरत है उनको बुलाया जाता, वो भी नाम लेकर नहीं, किसी दूसरे का नाम लेकर के बुलाया जाता, उनके बच्चों को नाम लेकर बुलाया जाता, वो समझ जाती थी, ठीक है। किसी को बगैर नाम लिए, ठीक है, जिनकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम सहज संघ के चिन्ह की तरह, और जो महिलाएं होती थी ना, वो पूरा का पूरा घर का काम तर्जनी पर यानी हाथ पर उठा के चलती थी, मतलब आलस नहीं होता, वो सुबह में ही उठ करके सभी प्लान रात में कर लें कि हमको सुबह सुबह क्या करना है, बर्तन इतना बजे तक धो के खाना वाना बना करके सबको देना, ताकि सबको ही अपने अपने ड्यूटी पर चले जाएँ। और आजकल तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे बाबूजी 4 लाख दिए हैं तो हम काहे काम करें, ठीक है, ऐसा भी है और दहेज प्रथा भी है, जिसके वजह से आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। पहले की औरतें बहुत जिम्मेदारी ले करके चलती थी, लेकिन आज की औरतें थोड़ा कम, कुछ हद तक औरतें जो हैं थोड़ा सा लेजी हो ही गई हैं, ठीक है। हम औरतों का बुराई नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे संघ के समान, जिस तरह चिन्ह होता है ना संघ पर, चिन्ह के बिना संघ अच्छा नहीं लगता, वैसे ही काम करते रहती थी औरतें, वो अच्छा भी लगता था, ठीक है। अब देखिए, उस चौखट के बगल में, ठीक है, उस चौखट के बगल में गेरुलिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छाप उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाले दादा के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीनों के अंत में गिने जाते एक एक कर। अब समझिएगा, जो ग्वाला हमार दूध उठौना देने आते थे ना, माने जो दूध पहुंचाने आते थे, वो क्या करते, दूध नाप करके, और दूध हाथ में लग जाता था तो दीवार पर ऐसे उंगठा दबा देते, मिट्टी में रह के उंगठा, पता है वो क्या करते थे, वो अटेंडेंस बनाते थे कि मैंने आज दूध दे दिया, फिर दे दिया, फिर दे दिया, ऐसे करते करते जब पूरा महीना हो जाता था तो उसी उंगठा को गिन करके और उनको उठौना दूध का क्या पेमेंट दे दिया जाता, पैसा दे जाता, और फिर जो हाथ में दूध बच जाता था, मजाक में छोटे छोटे हम लोगों के बच्चों के ऊपर ऐसे टीका भी लगा देते ताकि बच्चे खुश रहें, ठीक है। ये आप इतना समझ, महीना के आखिरी में वो टोटल का टोटल अंगूठा गिन करके और उससे पेमेंट कर दिया जाता था कि एक महीना दूध आ गया है, अब इनको पैसा दे देना है। यहाँ देखिए, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है, गांव का वो घर है ना जो पुराना वाला, अब अपना गांव खो चुका है, पहले जैसा वो गांव नहीं, पहले जैसे वो रिवाज नहीं, रीति रिवाज कुछ सब कुछ खत्म हो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गया पंच परमेश्वर, पंचायती राज में जैसे पंच परमेश्वर खो गए, इसका मतलब जब कभी लफड़ा झगड़ा गाँव में होता था ना, तो पंचायती चारों तरफ से इकट्ठा करके, माने बेटोर करके बोलते हैं उसको, एक पंच सरपंच जी बैठते थे, पंचायती को सल्टा देते थे, यानी कि पंचायती को ख़त्म कर देते थे, दोनों को समझा देते। आजकल ये सब पंच परमेश्वर ही खत्म हो गया, डायरेक्ट लोग केस करने पुलिस के पास चले जा रहे हैं, ठीक है। बिजली बत्ती आ गई है कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। बिजली बत्ती कब से आ गई है, लेकिन कहाँ बनी रहती है, जितना देर आती नहीं उतना पहले जल्दी चली जाती है, 1 घंटा रहेगी 4 घंटा कटेगी, ठीक है। अब के बेटवा के दहेज में टीवी भी लालटेन है, अब भी दिन भर आलू के कैलेंडर से ढकी रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती है। समझिएगा, बेटवा के ब्याह में टीवी मिल गया है, बेटवा के बहन की लड़का के शादी में टीवी मिल गया है, ठीक है, फिर भी वो लालटेन है, लेकिन लालटेन अभी भी और दिन भर टीविया पर क्या रहता है, टीवी पर कैलेंडर रखा रहता है, कैलेंडर से ढका रहता है, कोई कहाँ देखता है, क्योंकि लाइट रहता ही नहीं है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती है, जबकि चकाचौंध रोशनी में
मदमस ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं दूर, बहुत दूर पट भिड़ा है। जब कहीं ऑर्केस्ट्रा पहले होता था, नाच वगैरह होता था, डांस वगैरह होता था, तो पहले सभी लोग पट भिड़ा के बैठे रहते कि कब वहाँ चालू होगा, दौड़ के पूरा लोग जाते थे, ठीक है, बहुत भीड़ लगा थे। आजकल हो रहा है तो दो चार को देख रहा है, कोई देख ही नहीं रहा, कोई कहाँ से देखेगा, सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और फ़ोन में देखना होगा तो सर्च मार रहे हैं जिसको देखना है और उसी पर सर्च मार के देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़, और वहाँ से कोई आवाज़ ही सुनाई नहीं, कोई जा ही नहीं रहा। पहले कभी ऑर्केस्ट्रा होता था ना तो चारों गांव में हल्ला होता था कि इस गांव में फलना गांव में ऑर्केस्ट्रा होने वाला है और चलना है देखने। आजकल तो कोई नामो निशान नहीं रहा। पहले ऑर्केस्ट्रा के समय लोग एकदम एक्साइटेड रहते, अब तो कुछ है ही नहीं, गया सभी पुराने गाँव के रीति रिवाज खत्म हो गया है। अब देखिए, लेकिन ये रीति रिवाज में नहीं आएगा, गांव के एक रोचक बातें बता रहे कि पहले गांव में ऐसा होता था। पहले किसी के घर पे टीवी चलता था ना, ठीक है, तो क्या करते थे, पहले से ही लोग जा करके बहुत देर से खड़ा रहते थे। यहाँ समझिएगा, होली चैती बिरहा अल्लाह गूंगे, पहले होली गाया जाता था, चैता गाया जाता था, बिरहा गाना गाया जाता था, ठीक है, अल्लाह गाना गाया जाता, ये सब गाना खत्म, सब गूंगा हो गया। आज जब होली आता है तो होली के सीजन में होली गाया जाता है, चैत के सीजन में चैता गाया जाता है, ये सब गाया जाता है। आजकल सब कुछ खत्म हो गया है, ये सब धीरे धीरे क्या हो गया, गूंगा आ चुका है। और आजकल तो देख ही रहे हैं आज के जनरेशन का गाना कैसा है, देखिए ना यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, ठीक है। लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, ये भारत जो है अपना बिहार और भारत जो देश है, ठीक है, ये लोकगीतों का देश है, और यहाँ पे एक शोक गीत बजाता है लोग, कैसा गीत, जो कोई कोई देख के काफ़ी, कोई कोई सुन करके काफ़ी गुस्सा होता है। आप भोजपुरी को देख ही सकते हैं, पूरा गंदा कर दिया है भोजपुरी को, ठीक है। तो ये एक प्रकार का शोक गीत, अनसुना आकाश और अंधेरा को काटते। अब देखिए, 10 कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश भबुआ तो कब का मर चुका है। 10 कोस दूर जब सर्कस चलता था ना, सर्कस समझते ना, ड्रामा वरामा वगैरह चलता था, जब शेर हाथी के लोग सर्कस दिखाता था, सब सर्कस वाला आता था, तो ऊपर सब सर्कस के सबसे ऊपर वाला, सर्कस मंदिर के समान होता है, और इसके ऊपर एक लाइट जला दिया जाता है, जिसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है प्रकाश भबुआ। जैसे ही वो लाइट जलना शुरू होता था तो पता चल जाता कि सर्कस चालू है, तो लोग सर्कस देखने रात को चले जाते। अब तो वो मर ही चुका है, अब तो वो सर्कस खत्म हो गया पूरा का पूरा, और है भी तो किसी को पता नहीं चलता है। यहां समझिएगा कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, ऐसा अब सर्कस हो गया जैसे कि हाथी अपना दांत गंवा करके गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वहाँ हाथी है कि नहीं है। वैसे ही वो लाइट हट चुका है, अब सर्कस हो रहा है कि नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। रेते गए उन दांतों का जरा सी धवल धूल पर चीज रहे जंगल में, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, अब ये सब बस रेते गए दांत, चमक बनावटी सब हो गया है। अब देखिएगा टाउन शहर में लोग क्या कर रहे हैं, सर्कस है किसी को पता ही नहीं है, लोग लूटने के लिए तैयार है, झूठ मूठ कर सर्कस अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ वही कहा जा रहा है कि रेते गए उन, जिस तरह हाथी के दांत रेत करके झूठ मूठ कर चमकाया जा रहा है, जबकि वो तो टूट चुका है, मर चुका है, ठीक है, दांत निकल चुका है, ठीक है, धूल पर झीझ रहे हैं जंगल में, और लिलने वाले मुंह खोले हैं। टाउन शहर के लोग, मतलब क्या होता है, यहाँ टाउन शहर का पूरा जिक्र नहीं किया गया, लेकिन धोखा देने वाले लोग मुंह बाके बढ़े हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ देखिए, मेरे यहाँ ये सर्कस देखिए, और फालतू में पैसा लूट रहे हैं, ठीक है। यानी कि लिलने वाले मुंह खोले हैं, शहर में बुलाते हैं, बस शहर में बुलाते हैं कि आइए ये देखिए, लेकिन पहले लोग अपने से लाइट जलता था तो लोग देखने चले जाते थे, और आजकल तो चारों तरफ मुंह बाके खड़ा है कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ ये देखिए, सब बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ मुंह खोल के शहर में बैठा है, देखो अदालतों में, अदालत में वकील बैठा है कि आइए हम आपका केस लड़ लेते हैं, और उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक दौड़ाएगा। अस्पतालों के फैले फैले भी यहाँ रुते गदाते अमित्र परिसर की जिन भभुआओं से गाँव के घर की रीढ़ झुझुराती है, और गांव के घर के रीढ़ झुझुराती है, मतलब क्या, गांव की वो सभी प्रथा खत्म हो चुका है, मतलब गांव की वो जो सबसे बड़ी मजबूती है, जो पुरानी हमारी प्रथाएं थी, वो पुरानी प्रथा खत्म हो गया, वो मजबूती खत्म हो गया, और लोगों के अंदर का रिस्पेक्ट खत्म हो गया। तो ये टोटल कहानी इसमें में जो बताया गया, एक कविता है लेकिन ये कहानी के रूप में, कि हमारे गांव का रीढ़ जर्जरा गया है, कमजोर पड़ गया है, क्योंकि हमारी परंपराएं धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, वो हमारा लोकगीत, हमारा लोक नृत्य, ये सब खत्म होते जा रहा है, एक संस्कारी नृत्य था, और आजकल का नृत्य तो दिख ही रहे हैं, ठीक है, कितना अजीब सा भद्दा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, और यहाँ पे किस टाइप के लोग देखने जा रहे हैं ये आप भी समझ रहे होंगे। पता नहीं कैसे कैसे धीरे धीरे पूरा का पूरा गाँव में परिवर्तन आ गया, आखिरकार वो मेरा पुराना गाँव कहाँ चला गया। इस लेसन में यही बताया।
बताया गया। तो फाइनली आपका ये पूरा का पूरा काव्यखंड कंप्लीट हुआ। अब बस आप इसको देख करके, एक बार नहीं दो दो बार तीन तीन बार देख करके पूरा का पूरा बाबू रिविजन कीजिए, ठीक है। और इसके अगले वाला जो लेसन बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम भी पढ़ा सकते हैं और मुस्कान मैम भी पढ़ा सकती हैं, दोनों आदमी कोई भी पढ़ा सकता है। और हाँ, इसका रिविजन करना मत छोड़ेगा। याद रखिएगा कि एक ही चीज़ की 100 नंबर का ये रहता है, हिंदी आपका 100 मार्क्स है। तो आप काव्यखंड बहुत अच्छा तरीका से, हम टोटल आपको बता दिए, बहुत अच्छा तरीका से इसको समझ के इसके अर्थ को दिमाग में बैठा लीजिए। लेखक का एक वीडियो आएगा जो डायरेक्ट लेखक और लेखक के द्वारा लिखी गई जो भी कहानी कविता है उसका ट्रिक आपके पास मिल जाएगा। आपको 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए ज्ञापन एकेडमी के साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।